हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मारुति सुजुकी इको का, ठीक है, मारुति सुजुकी इको में मीन्स पावर स्टेयरिंग लग के नहीं आती है, ये हाइड्रोलिक स्टेयरिंग लग के आती है। बट इसमें कई ज्यादा जो ट्रैफिक वाले एरियाज होते हैं उसमें आपका स्टेयरिंग कंट्रोल में आपका बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत पावर लगता है और बहुत हाथ भी दर्द करता है। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन भी रहता है कि इसमें मीन्स पावर स्टेयरिंग आना चाहिए, इसमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है। हाँ, आप कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, कंफर्टेबल फील तो बिल्कुल भी नहीं होता है जब आप हाईली ट्रैफिक वाले एरिया में जाएंगे, सिटी में ड्राइव करेंगे तो। बट आज मैं ऐसा कुछ टिप्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जो आपको बताने वाला हूं, जिससे आप हाइड्रोलिक स्टेयरिंग को भी पावर स्टेयरिंग के जैसा यूज कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुने हैं, आप इसको हाइड्रोलिक वाले स्टेयरिंग को भी आप पावर स्टेयरिंग के जैसा यूज कर सकते हैं, आपको फील नहीं होगा। बट इसका कैसे टिप्स है, कैसे आपको यूज करना है, इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसे थोड़ा भी स्किप ना करें, इसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मिंग नॉलेज मिलने वाला है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि अगर उन लोगों के पास भी कोई इको गाड़ी है या फिर वो इको परचेस करने वाले हैं तो उनको ये टिप्स पहले से पता होगा और वो इजिली ड्राइव कर सकते हैं गाड़ी को। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अभी देखिए, एक हाथ से होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको टर्न कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों हाथ लगाना पड़ता है ऊपर से इसमें। लेकिन अगर पावर वाले स्टेयरिंग में देखेंगे तो सिर्फ एक उंगली से ऐसे करते हैं तो आपका पूरा गाड़ी घूम जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें कहां पे ज्यादा है, जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं जैसे सपोज को 60, 70, 40 में, तब आपको इसका महसूस भी नहीं होगा कि पावर स्टेयरिंग है या हाइड्रोलिक है, आपको उतना टर्न है, बस इतना इतना ऐसे गाड़ी चलती है। जब आपका महसूस कहां पे होता है, जब हाइड्रोलिक ट्रैफिक वाले एरिया में जब आपको यू टर्न लेना पड़ता है, जब टर्निंग लेना पड़ता है, जब गाड़ी को पूरा घुमाना रहता है, तब आपको पता चलता है कि वहां पे आपको पावर महसूस हो रहा है और गाड़ी को थोड़ा स्पीड में घुमाना पड़ता है, कटिंग करना पड़ता है, ट्रैफिक से निकालना पड़ता है, तब आपको ज्यादा महसूस होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ये गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि अगर उसको उस लेन में जाना है, राइट जाना है, तो अभी यहीं से गाड़ी एकदम खड़ी है, अब यहां से घुमाने लगते हैं, पूरा प्रेशर, भाई नहीं घूम रहा, बहुत हार्ड स्टीयरिंग, ये गलती करते हैं। होता क्या है कि देखिए, जब गाड़ी एकदम स्टेबल खड़ी है, ठीक है, तो पूरा गाड़ी और गाड़ी के अंदर के पैसेंजर का लोड सारा व्हील पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है, मीन्स पहिए पे लोड रहता है, ठीक है। अब जैसे ही अब आपको घुमाना रहता है तो आपको तो गाड़ी खड़ी है, पूरा लोड है, अब उसको कुछ घुमाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी और आपको हार्ड लगेगा ही लगेगा। तो उस केस में आप क्या करें, सपोज आपको उधर टर्न करना, आगे थोड़ा सा मुझे स्पेस खाली दिख रहा, तो मैं हल्का सा एक नंबर लगा के देखिए अभी कितना मुश्किल लग रहा है काटने में, ठीक है, देखिए कितना मुश्किल लग रहा है, ये स्टेयरिंग है, सीधा हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए, मैं यहां से अब मुझे राइट काटनी है तो क्या करें आप, एक नंबर लगा के हल्का सा आगे गाड़ी को ऐसे बढ़ा, देखिए ये गाड़ी हल्का सा बढ़ भी रही है और देखिए कट भी जा रही है। मैंने अभी एक्सीलरेटर नहीं दिया, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ठीक है, ये देखिए गाड़ी को पहले सीधा कर लिया, ये सीधा हो गया, ठीक है। अभी देखिए, मैं यहां से काट रहा होता, ठीक है, देखिए ये नहीं, दो हाथ से काट रहा, नहीं कट रहा, ठीक है, बहुत हार्ड लग रहा, ठीक है, क्योंकि गाड़ी खड़ी है, पूरा लोड व्हील के ऊपर है। अब आपको जिसे काटना है, ठीक है, राइट करना है, तो आप हल्का सा एक नंबर लगाए, ठीक है, आप ब्रेक को छोड़े, हल्का सा क्लच को छोड़िए, देखिए हल्का सा छोड़िए, गाड़ी जैसे हल्का हल्का आगे बढ़ने लगे, उसी वक्त में देखिए मैं एक हाथ से घुमा लिया, गाड़ी पत्ती भी नहीं चली, देखिए कितना आराम से घूम गया। अब मैं एक्सीलरेटर देखिए पूरा इस वाले लेन पे आ गया, देखिए कितना आराम से हो गया, फिर एक ही हाथ से सीधा हो गया, क्योंकि गाड़ी जैसे जैसे मोमेंट में बढ़ जाएगी, स्पीड में बढ़ जाएगी, ये देखिए आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, आप जैसे कंट्रोल करना चाहिए एक उंगली से देखिए कंट्रोल हो जाता, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि अब गाड़ी मोमेंट में आ गया, मीन्स स्पीड में आ गया, तो आपका जो व्हील्स है वो लोड कम हो रहा है, आप उस पे फोर्स के कारण वो लोड उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा जितना पहले था, खाली गाड़ी में ज्यादा लोड था उसमें, अब गाड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोड को, तो आपका क्या कि इजिली आप टर्न कर पा रहे, ठीक है। अब वही चीज को मैं देखिए करूंगा, नहीं हो रहा, देखिए बहुत हार्ड हो रहा, दो हाथ हमको लगाना पड़ेगा, देखिए तब जा कैसे हो रहा, लेकिन जस्ट वही आपको करना है, एक नंबर लगा के, ऐसा नहीं कि खूब गाड़ी मैंने आगे बढ़ा लिया, 10 का 20 का स्पीड कर लिया, ऐसा भी नहीं करना, आपको जस्ट हल्का सा एक मोमेंट देना है, गाड़ी को मूवमेंट देना है थोड़ा सा, देखिए हल्का सा गाड़ी बढ़ा, बस देखिए 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 अब एक्सीलरेटर देखिए हल्का सा घुमा ली, कितना इजिली हुआ, ठीक है। लेकिन यही चीज मैं अगर करने वाला रहता, अगर गाड़ी खड़ी करके, तो मुझे दो हाथ का जरूरत पड़ता और कोई वर्थ ही नहीं है फ्रेंड्स। आप यहां से करिए हल्का सा मोमेंट देते हुए, एकदम कॉम्पैक्ट है, आपका जगह भी नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं, देखिए जैसे ही मोमेंट बढ़ा, हल्का सा स्पीड हो रहा, हल्का सा बस उसी वक्त काट लीजिए, देखिए पूरा गाड़ी आराम से कटी, जस्ट हल्का सा मोमेंट का जरूरत है, हल्का सा स्पीड, आप पूरे गाड़ी को आराम से काट सकते हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ट्रिक्स है जो आपको हमेशा यूज करना चाहिए, जब भी आप एक मैनुअल स्टेयरिंग वाली गाड़ी चलाएं, जब भी, खास तौर पे हाइड्रोलिक वाली स्टेयरिंग, क्योंकि देखिए अभी का टाइम में हर एक कार में
इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लग के आ रही है, ठीक है। बट कुछ कुछ कार अभी भी है, जैसे अगर आप हाई एंड एसयूवी वगैरह में चले जाएंगे, आप हैरियर वगैरह में चले जाएंगे, क्योंकि एसयूवी में अक्सर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग इसलिए दी जाती है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का फीडबैक आपको एक्यूरेट मिलता है। एक्यूरेट मतलब कि अभी आपको एज से एज इसमें आपको पता चलेगा मैं गाड़ी को कितना काट रहा हूं और उतना ही कटेगा। पावर स्टीयरिंग में आप इतना करेंगे बहुत ज्यादा गाड़ी कट जाती है, उसमें आपको खास तौर पे जब पहाड़ों वाले एरिया में जाएंगे जहां पे एकदम नापा हुआ रोड रहता है, एकदम जगह कम रहता है, वहां पे आपको फीडबैक आपको पावर स्टीयरिंग से बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको अंदाजा नहीं हो पाएगा। बट वहां पे आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग ज्यादा बेहतर रहता है, इसीलिए बहुत सारी अभी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी जो है बहुत वैल्यू फॉर मनी भी गाड़ी है, बट उसमें भी आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो, फिर भी कोई कंफ्यूजन आप मुझे सिंपल कमेंट करें, मैं वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।